हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत है एसएससी एस सी सीजियल क्लासेस के अंदर मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में ये जो सीरीज़ चल रही है ये चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जिसमें हम अभी देख रहे हैं एडियम्स के बारे में जो एडियम्स अलग अलग एग्जाम्स में एस के अलग अलग सेगमेंट में पूछे गए हैं वो सारे एडियम्स को हम देख रहे हैं यहाँ पर राइट सो अभी तक हमने जो बातचीत करी है वो करी है करीब करीब तीन वर्ड्स की जो कि प्योरली ईडीएम्स थे जिसमें सारे मिक्स मिक्स क्वेश्चन थे उसके बाद हमने जो सिलसिला स्टार्ट 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 करा करा वो प्रीवियस का करा। तो बिना टाइम को गवाये हुए स्टार्ट कर, कर, कर तो क्वेश्चन की अभी जो वीडियो आपके सामने दिख रहा है या जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो टायर वन में पूछे गए वाले क्वेश्चन है ईडीएम के क्या टायर वन में आए हुए क्वेश्चन में देखो जी नाइन जीरो वन नंबर का क्वेश्चन आपके आ, स्क्रीन पर है इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि नौ सौ क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो मतलब प्रीवियस ईयर में भी आप नौ सौ क्वेश्चन कर चुके हो जी नौ सौ एक नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्या कह रहा है आउट ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन ठीक है आउट ऑफ द क्वेश्चन नॉट पॉसिबल एट ऑल लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर Not possible at all. इसको और ज्यादा अगर आपको ईजी बनाना है तो आप ये बोल सकते हो इम्पॉसिबल आउट ऑफ द क्वेश्चन होना कोई चीज क्वेश्चन के बाहर मतलब क्या इम्पॉसिबल है वो चीज ठीक है क्या बोलोगे इम्पॉसिबल बोलोगे इम्पॉसिबल ठीक है जो कि संभव ही ना हो असंभव हो आउट ऑफ द क्वेश्चन है वही ठीक है वो चीज कोई भी चीज आउट ऑफ द क्वेश्चन है मतलब आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते मतलब वो इम्पॉसिबल है जी ठीक है आप हर एक चीज पे क्वेश्चन रेस कर सकते हो सिंपल सी सिंपल सा कहना नो बोन्स अबाउट समथिंग मतलब क्या हुआ इसका किसी चीज के बारे में खुलकर बात करना मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मतलब क्या किसी भी तरीके का हिंड्रेंस पैदा नहीं करना किसी भी तरीके के ऑब्सक्योर वाली चीजें बोलना नहीं बोलना ठीक है मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग आप इसको राइट डाउन भी करो क्योंकि यह आपके लिए जरूरी हो रहा है क्यों जरूरी हो रहा है क्योंकि इसकी मीनिंग निकल के नहीं आएगी कुछ भी सो मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग मतलब क्या टू बी वेरी फ्रैंक ऐसे भी लिख सकते हो टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट थिंग्स और टू बी वेरी फ्रैंक अबाउट थिंग्स चीजों को लेके बहुत ज्यादा फ्रैंक होना ठीक है उसको बोलते हैं मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में खुलकर बात करना मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग कहलाता है आगे नाइन जीरो ग्रांटेड कहते हैं ना भाई कि डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेना ठीक है या फिर एक आपने स्टेटमेंट सुना हो घर की मुर्गी दाल बराबर घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा सुना होगा ठीक है तो ये वाली चीजें कब होती हैं जब आप किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते हो है ना क्या कह रहा है टू टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन बिना आपत्ति के स्वीकार करना टू टेक फॉर ग्रांटेड मतलब बिना किसी कोई चीज़ कहे बिल्कुल नॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर लेना टू टेक फॉर ग्रांटेड कहलाता है क्या कहलाता है भाई टू टेक फॉर ग्रांटेड टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन डन टू गो नॉट नट्स टू गो नट्स ये इजी भी है और क्या है इंपॉर्टेंट भी है इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है क्यों ईजी और इंपॉर्टेंट दोनों है क्योंकि इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ मैडनेस द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ मैडनेस द स्टेट ऑफ मैडनेस टू बिकम क्रेजी पागल होना टू बिकम क्रेजी पागल हो जाना टू गो नट्स कहलाता है टू बिकम क्रेजी पागल हो जाना गो नट्स कहलाता है द स्टेट ऑफ मैडनेस टू गो नट्स टू बिकम क्रेजी है ना पागलपन वाली एक्साइटमेंट वाली चीजें टू बी ऑन अन अन अ रोल टू बी ऑन अ रोल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको भी राइट डाउन करना पड़ेगा आपको सिंपल सी मीनिंग है

बैकअप मतलब क्या टू डिफेंड और सपोर्ट बचाओ या समर्थन करना बैकअप डिफेंड और सपोर्ट बैकअप डिफेंड और सपोर्ट बचाओ या समर्थन करना बैकअप कहलाता है बैकअप मतलब टू डिफेंड और सपोर्ट वर्कआउट 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 करना मतलब एक्सरसाइज करना सिंपल सा आपको पता ही है वर्कआउट करना मतलब क्या होता है एक्सरसाइज करना या फिर डेवलप अ प्लान कोई प्लान बनाना कोई योजना बनाना वर्कआउट करना ठीक है दो मीनिंग निकल के आई वर्कआउट की एक तो या एक्सरसाइज करना ठीक है एक्सरसाइज या फिर दूसरी मीनिंग क्या निकल के डेवलप अ प्लान कोई प्लान को डेवलप करना ठीक है उसको भी वर्कआउट ही बोलेंगे एक्सरसाइज और डेवलप अ प्लान ठीक है दूसरा क्या है भाई ही लास्ट लाउडेस्ट ही वह जो हंसता है लास्ट लॉफ्स लाउडेस्ट ठीक है अब ये जो वर्ड ये डीएम है या कह लो कि पूरा का पूरा जो फ्रेज आपके सामने दिख रहा है या क्लॉज दिख रहा है नाइन जीरो एट नंबर का इसको आप करोगे राइट डाउन क्या करना है भाई राइट डाउन करना है क्यों क्योंकि इसकी मीनिंग ये है ही हु फोकसेस ऑन विनिंग इन द लॉन्ग टर्म इज सक्सेसफुल ही हु लास्ट ठीक है हुउडेस्ट ठीक है वह जो आखिरी तक हंसता है वो काफी जोर तक हंसता है ये मीनिंग कह रहा है मतलब क्या वो आखिरी वह जो आखिरी तक टारगेट पे फोकस्ड होता है जरूर सक्सेसफुल हो जाता है या फिर वह जो लॉन्ग टर्म में सक्सेस देखता है जरूर सक्सेसफुल हो जाता है ही हु फोकसेस ऑन विनिंग जो जितने पे फोकस करता है इन द लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म में ही वही क्या होता है भाई सफल होता है जीत पर केंद्रित व्यक्ति ही सफल होता है हिंदी मीनिंग है लेकिन इंग्लिश मीनिंग थोड़ी सी डिफर हो जा रही है तो उस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे ठीक है ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा जिसकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं होगी आउट ऑफ द क्वेश्चन इम्पॉसिबल मेक नो वंस अबाउट समथिंग बी फ्रैंक एंड ओपन अबाउट समथिंग या फिर किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल खुलकर बात करना मेक नो बंस अबाउट समथिंग बोलता है ठीक है टू टेक फॉर ग्रांटेड कोई चीज को आप बिल्कुल विदाउट क्वेश्चन को आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो कोई चीज़ को ठीक है तो उसको बोलता है टू टेक फॉर ग्रांटेड टू गो नट्स टू बिकम क्रेजी बहुत ज्यादा क्रेजी होना पागल होना टू गो नट्स कहलाएगा टू बी ऑन अ रोल ठीक है टू बी ऑन अ रोल का मतलब क्या होता है भाई कि आप कोई सक्सेस सक्सेस को इंजॉय करो एक्सपीरियंस कर रो ठीक है अनुभव कर रहे हो उसको बोलते हैं टू बी ऑन अ रोल और बैकअप बैकअप आपने आपने पहले भी पढ़ा होगा क्या बैकअप बैकअप मतलब सपोर्ट कहता है ना कोई बैकअप टीम भेज दो मतलब सपोर्ट टीम भेज दो तो बैकअप मतलब क्या होता है भाई सपोर्ट होता है डिफेंड करने के लिए सपोर्ट करने के लिए वर्कआउट ईजी ही हु एट हुई है नाइन जीरो नाइन मच एडो अबाउट नथिंग मच एडो अबाउट नथिंग यह क्या मीनिंग दे रहा है मच एडो अबाउट नथिंग छोटी छोटी बातों पर झगड़ना है ना ठीक है स्टॉम इन अ टी कप स्टॉम इन अ टी कप Storm in a teacup, मच अडो अबाउट नथिंग ये भी बोल सकते हो या फिर स्टॉम इन अ सी बात का बतंगड़ बना देना है ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना मच अडो अबाउट नथिंग मच अडो अबाउट नथिंग ठीक है या फिर स्टॉम इन अ teacup, दोनों की मीनिंग क्या है भाई दोनों की मीनिंग सिमिलर है अब बोल्ट फ्रॉम दब्ल्यू या आउट ऑफ दब्ल्यू दूसरा दूसरा यहाँ पे एडियम क्या यूज कर सकते हो दूसरा एडियम ये यूज कर सकते हो आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ द ब्लू ठीक है आउट ऑफ द ब्लू अ बोल्ड फ्रॉम ब्लू या आउट ऑफ द ब्लू होना अ बोल्ड फ्रॉम ब्लू या आउट ऑफ द ब्लू होना मतलब क्या अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग इवेंट कभी भी ये जो दोनों एडियम दिखे अगर आपको ठीक है ये दोनों एडियम जहां पे भी दिखे वहां पे एक टर्म जरूर ढूंढना अनएक्सपेक्टेड जिसकी कोई कल्पना न किया हो वो चीज हो जाए ठीक है उसी को बोलते हैं अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू या फिर आउट ऑफ द ब्लू आउट ऑफ द ब्लू डन नाइन डबल वन हरकुल टास्क नाइन डबल वन क्या कह रहा है हरकुलियन टास्क कह रहा है अब हरकुलियन टास्क मतलब क्या होता है वेरी टफ टास्क वेरी डिफिकल्ट टास्क वेरी डिफिकल्ट टास्क क्या बोलेंगे उसको उसको बोलेंगे हरकुलियन टास्क क्या बोलेंगे हरकुलियन टास्क वेरी डिफिकल्ट टास्क वेरी टफ टास्क ठीक है बहुत कठिन कार्य उसको बोलेंगे हरकुलियन टास्क कवर अप करना कवर अप करना मतलब हाइड या फिर कंसील करना हाइड करना या कंसील करना कवर अप करना ठीक है कवर अप करना कवर अप मतलब क्या हाइड या कंसील करना कवर अप कहलाएगा कवर अप कहलाएगा ठीक है डन चले आगे मेकअप विथ समवन मेकअप विथ समवन और समथिंग है ना क्लोज और इग्नोर द डिफरेंसेज विथ समवन ठीक है मेकअप विथ समवन का मतलब होता है किसी के साथ अपने डिफरेंसेस को खत्म करना है ना मन मुटाव को खत्म करना उसको बोलते हैं मेकअप विथ समवन किसी के साथ मन मुटाव को किसी के साथ डिस्प्यूट uh, को खत्म करना उसको बोलते हैं क्या मेकअप विथ समवन क्या मेकअप विथ समवन चलो अब बात करेंगे सीजीएल 2020 टायर वन में आए हुए क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 टायर वन में आए हुए के क्वेश्चंस अभी तक हमने क्या देखे एमटीएस देखे हमने जी देखा हमने सारे क्वेश्चंस को काफी डिटेल में ही करा हुआ है डन है चलो रेज द बार आप कहते हो ना सेट द बार रेज द बार मतलब आपकी लिमिट ये है आपकी लिमिट ये है अब आपने अपनी लिमिट बढ़ा दी रेस द बार का मतलब आप अपना जो गोल है ठीक है आपका गोल पहले था कि मैं दो घंटे डेली पढ़ूंगा ठीक है दो घंटे टू आवर्स आप डेली पढ़ते हो ठीक है आपने इसको किया ठीक वीक्स। है वीक्स फिर उसे कुछ दिन बाद क्या कर रहे हो, आप फिर अगेन क्या करो रेज द बार करो आप फोर आर हो ठीक है रेज द बार मतलब तो टू सेट हायर गोल्स उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करना रेज द बार अपनी लिमिट सेट करना हाई लिमिट सेट करना उसको बोलते हैं रेज द बार टू सेट हायर गोल्स क्या करना भाई हायर गोल्स सेट करना टू सेट हायर गोल्स रेज द बार कहलाता है उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करना रेज द बार कहलाएगा डन डन है भाई चलें आगे बैंक फॉर द बक बैंक फॉर द बक बैंक फॉर द बक की मीनिंग क्या है वर्थ द मनी स्पेंट ऑन समथिंग बैंग फॉर द बक मीनिंग क्या होगी ध्यान से देखें जरा बैंक फॉर द बक वर्थ द मनी स्पेंट ऑन समथिंग वर्थ द मनी स्पेंट ऑन समथिंग ठीक है बैंक फॉर द बक ठीक है किसी वस्तु पर जितना पैसा खर्च किया है उस लायक होना बैंक फॉर द बक कहलाएगा बैंक फॉर द बक कहलाएगा डन है क्लियर है चलो टू वॉक ऑन एयर हवा में चलना आपने कभी किसी ना किसी को यह कहते हुए सुना होगा मैं हवा में उड़ रहा हूं हवा में चल रहा हूं हवा में उड़ना या हवा में चलने का मतलब क्या होता भाई बहुत ज्यादा खुश होना अ ग्रेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस अ ग्रेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस ठीक है अ ग्रेट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस टू वॉक ऑन एयर कहलाता है टू वॉक ऑन एयर कहलाएगा टू बी वेरी हैप्पी क्या होना भाई बहुत ज्यादा खुश होना टू बी वेरी हैप्पी बहुत ज्यादा खुश होना टू वॉक ऑन एयर कहलाएगा क्या कहलाएगा टू वॉक ऑन एयर कहलाएगा डन चले आगे टू टेक अ चिल पिल चिल पिल बहुत बार सुना होगा आपने लेकिन आपने बोला होगा कि ये जब सुना होगा आपने तो आप बोला होगा ये भाई सही इंग्लिश नहीं है है ना चिलपिल क्या होता है चिलैक्स क्या होता है तो चिलैक्स चिलपिल chill सब सबका मतलब क्या होता है भाई, इन सब सब के इन सब का इन जितने भी हैं चिलैक्स या चिलपिल इनका मतलब सिंपल होता है बहुत क्या होना भाई, काम डाउन होना क्या होना काम डाउन शांत होना टू काम डाउन टू टेक अ शांत होना रिलैक्स फील करना चिलैक्स फील करना उसको तो क्या बोलते हैं काम डाउन कहते हैं वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई One, two, curl up and die. बहुत और खेद क्या करना पड़ेगा इसको राइट डाउन करना पड़ेगा इसको करना पड़ेगा आपको राइट डाउन वन टू कर अप एंड डाई फील टेरिबली एसेम्ड एंड सॉरी ठीक है बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी या फिर दुख प्रकट करना उसको बोलते हैं क्या बहुत ज्यादा शर्म और खिद महसूस करना वन टू करलप एंड डाई बिल्कुल डिफरेंट भी नहीं निकल के आ रही है वन टू एंड डाई वन टू करलप एंड डाई नाइन नाइनटीन क्या कह रहा है बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स नॉट नो वॉट टू से बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स नॉट नो वट टू से है ना बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स नॉट नो बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स मतलब क्या शब्द ही खो जाना है ना नॉट नो वर्ड टू से ये पता ना होना कि क्या कहना है शब्द ही खो गया है आपके पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई कि हाँ आप उस टाइम पे वो शब्द नहीं बोल पा रहे हो कहते ना भाई जबान ही नहीं है वर्ड्स ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ उसी को बोलते हैं बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स क्या बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स अगला देखो क्या है फुल ऑफ बीन्स फुल ऑफ एनर्जी क्या फुल ऑफ बीन्स की मीनिंग क्या हो गई भाई फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी डर है चलो हम इनको एक बार देख लेते हैं कितनी बातें करी हमने आउट ऑफ द क्वेश्चन इजी था मेक नो वॉन्स अबाउट समथिंग ये भी इजी देखो टू टेक फॉर ग्रांटेड इजी टू गो नट्स इजी टू बी ऑन अ रोल ये थोड़ा सा हटके था टू बी ऑन अ रोल की मीनिंग क्या थी भाई कि एक्सपीरियंस करना किसको सक्सेस को एक्सपीरियंस करना टू बी ऑन अ रोल सक्सेस को क्या करना भाई एक्सपीरियंस करना उसको बोलते हैं टू बी ऑन अरोल बैकअप मतलब क्या सपोर्ट डिफेंड करना या फिर सपोर्ट करना बैकअप कहलाता है वर्कआउट ईजी था ही हु लॉब्स लास्ट लॉब्स लॉडेस्ट मतलब जो लास्ट तक अपने टारगेट पे फोकस करता है वो जरूर सफल हो जाता है ये मीनिंग हो गई इसकी ठीक है आप मैंने आपसे कई बार बोला कि आप हिंदी मीनिंग को भी राइट डाउन करना स्टार्ट कर दें ताकि चीजें मतलब और ज्यादा ईजी हो जाए आपके लिए नाउ द नेक्स्ट मच अडो अबाउट नथिंग मतलब क्या स्टॉम इन अ टी कप बोल सकते हो इसको या फिर इस ये भी नहीं याद रह पा रहा तो आप ये बोलो कि किसी बात का बतंगड़ बना देना छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देना ठीक है उसको बोलते हैं क्या मच अडो अबाउट नथिंग मेकिंग अ अ बिग ओवर स्मॉल थिंग ठीक है ट्राइवियल बोल लिखा जा कभी कभी आपको यहाँ पे स्मॉल थिंग की जगह पे ट्राइवियल भी लिखा हो या ट्रीवियल या ट्राइवियल जो भी इसको आप पढ़ पाते हो ठीक है वो भी लिखा हो तो उसका मतलब भी बिल्कुल सिंपल है क्या स्मॉल या फिर कॉमन अबोल्ड फ्रॉम दब्ल्यू या आउट ऑफ दब्ल्यू होना मतलब क्या? कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड भी कवरअप करना हाइड या कंसील करना ये भी इजी था मेकअप विद सम मतलब किसी के साथ डिफरेंसेस किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया करना खत्म करना बंद करना रोकना ठीक है फिर हमने देखा क्या रेस द बार टू सेट हायर गोल्स ये भी इजी है रेस द बार सेट हायर गोल्स नेक्स्ट है बैंक फॉर द बक ये आपके लिए थोड़ा सा अलग हटके है बैंक फॉर द बक बैंक फॉर द बक की मीनिंग है क्या वर्थ द मनी स्पेंट ऑन समथिंग किसी ऐसी चीज पे पैसा लगाना जो उसके लायक हो है ना उसके लिए वर्थ हो है ना उसको बोलते हैं क्या बैंक फॉर द बक टू वॉक ऑन एयर हवा में चलना मतलब क्या स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस मतलब क्या? डाउन बहुत ज्यादा काम डाउन होना ठीक है शांत हो रहा वॉन्ट टू करल अप एंड डाई फील टेरिबली एसेम्ड एंड सॉरी क्या फील करना भाई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करना उसको बोलते हैं वॉन्ट टू curl अप एंड डाई वॉन्ट टू curl अप एंड डाई बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिस टाइम पे आपके पास वर्ड्स ना हो वर्ड्स खत्म हो गए हो बोलने के लिए बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स कहलाता है नॉट नो वॉट टू से आपको पता ही ना हो क्या बोलना है उसको बोलते हैं बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स ठीक है फुल ऑफ बीन्स फुल 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 ऑफ 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 बीन्स बीन्स मीनिंग क्या होगी भाई एनर्जी की मीनिंग क्या है भाई फुल ऑफ एनर्जी ऊर्जा से भरा हुआ फुल ऑफ बीन्स कहलाएगा ऊर्जा से भरा हुआ चलो जी नेक्स्ट की बात करें अगला है 921 टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक लंबी कहानी को छोटा कर देना तो कोई भी बात को बिल्कुल शॉर्ट में बताना बिल्कुल ब्रीफ में बताना ब्रीफ में समझाना टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहलाता है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट टेल समथिंग ब्रीफली है ना कोई चीज ब्रीफ में बताना टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कहलाएगा टेल समथिंग ब्रीफली कोई चीज ब्रीफ में बताना है ना बिल्कुल आसान भाषा में बताना उसको बोलते हैं क्या टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट संक्षेप में बताना करके बताना समरी बताना उसको क्या बोलेंगे टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो जो मैं आपको सिनोनिम भी बोल रहा होता हूँ वो भी आपको क्या करना होता है भाई राइट डाउन करना होता है तो राइट डाउन किया करें जी ये वरना देखो स्टोरी आप सुन रहे हो आपने जाने कितनी बार वो कैब पढ़े हो गए यूट्यूब पे देख देख के और वहां पे थमनेल में आपने ये देखा होगा पांच मिनट में दो वर्ड पांच मिनट में पूरी वो आपके कब्जे में है ना बहुत सारी बातें लेकिन जब तक अगर आप राइट डाउन नहीं करोगे ना चीजों को वर्ड्स को राइट डाउन करना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सारा खेल आपको लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स का ही देखने को मिलता है चाहे आप हिंदी लैंग्वेज को ले लो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को ले लो ऐसे भी आपने एग्जाम दिए होंगे जहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन आते होंगे तो वहाँ पे भी आपको उस टाइम पे डिफिकल्टीज महसूस होती होगी जब आपको वर्ड्स के साथ खेलना नहीं आता होगा राइट सो वर्ड्स के साथ खेलने के लिए वर्ड्स को राइट डाउन करना उसको बार बार रिपीट करना बहुत ही ज्यादा क्या है नेसेसरी है जरूरी है इस चीज को आप मार्क करके रख लें नोट डाउन कर लें जो भी आपको समझ आए टू द नाइन्स टू द होना मतलब क्या टू परफेक्शन उत्कृष्ट रूप से टू द मतलब क्या इन द स्टेट ऑफ परफेक्शन है ना परफेक्शन की तरफ बढ़ना टू द नाइन्स मतलब क्या टू द दाइन्स मतलब क्या परफेक्ट Perfect, परफेक्शन की तरफ बढ़ना टू द नाइन्स कहलाता है टू परफेक्शन राइट एट द इलेवेंथ आर एट द इलेवेंथ आर क्या होता है एट द इलेवेंथ आवर मतलब क्या एट द वेरी लास्ट मिनट है ना एट द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ द एट द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम टाइम के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डेड डेड लाइन समझ तो ना डेडलाइन जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला वो प्रोजेक्ट मिला आपको ये कि मंडे को दो बजे तक दोपहर तक सबमिट किया जाएगा ठीक है और आपने उसको मतलब भाई और ये दिया गया पिछले मंडे को मतलब आठ दिन पहले दिया गया आठ दिन बाद के लिए राइट सो so, आपने क्या करा वो आपने लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल आप पहुंचे हो कितने बजे भाई 159 पे ठीक है इस पे पहुंचे हो आप जो डेडलॉक मिला है वो मिला है 0200 पीएम का है ना तो आप वही हो एट द इलेवेंथ आर हो आप क्या हो भाई एट द इलेवेंथ आर पे पहुंच रहे हो ठीक है कैसे पहुंच रहे हो एट द मतलब एट द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम वेरी लास्ट मिनट सबसे अंतिम समय में आप उस काम को कंप्लीट करने पहुंच रहे हो राइट डन है पाइप ड्रीम पाइप ड्रीम क्या है एक सपना या विचार जिसके सच होने की संभावना नहीं है क्या है भाई पाइप ड्रीम कहलाएगा पाइप ड्रीम क्या कहलाता है अ ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन पाइप ड्रीम बहुत ज्यादा ख्वाब बना लेते हो है ना कि एक दिन मैं मर्सिडीज लाऊंगा है ना ठीक है फिर अगले दिन ख्वाब देखा नहीं मर्सिडीज अच्छी नहीं लगती एक दिन लगतीब्ल्यू लेकर आऊंगा फिर अगले दिन नहीं मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू क्या आउटडेटेड हो गए सबके पास हो रहे हैं जी एक दिन मैं मसेराती लेकर आऊंगा फिर बोला नहीं मसेराती मजा ना, नाम नाम मजेदार नहीं लग रहा है कुछ भौकाली सा एक दिन मैं लंबर गिनी लाऊंगा है ना ठीक है सो so, ये आप क्या करो ड्रीम आपके डेली डेली चेंजेस हो रहे हैं ड्रीम में क्या हो रहे हैं भाई चेंजेस हो रहे हैं सो so, वो उसको क्या बोलेंगे भाई पाइप ड्रीम बोलेंगे क्यों क्योंकि वो चीज़ कभी होनी नहीं है क्योंकि आपका ड्रीम ही फिक्स्ड नहीं है कि मेरे को कौन सा वाला रैंक चाहिए ठीक है आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में कहानियां पढ़ी होंगी कि जिन्होंने लिख दिया जहां टेबल में पढ़ते हैं वहां लिख दिया कि मेरी हंड्रेथ रैंक आनी चाहिए तो उनकी हंड्रेथ ही आई क्योंकि वो बार बार इसे फोकस थे कि मेरी हंड्रेड वाली रैंक ही चाहिए मुझे हंड्रेथ रैंक मुझे मिलनी चाहिए ठीक है ना अब आप में से कोई लग सा, कई सारे ये बोलेंगे सर हम अगर ख्वाबी देख रहे हैं तो फर्स्ट का क्यों ना देखें लल ख्वाब वो होता है जिसको पूरा करने की आपके अंदर औकात हो बहुत ही सिंपल फंडा जी ख्वाब मतलब औकात आपकी अगर आपके औकात के बराबर आपका ख्वाब है तो भाई ठीक है ठीक है तभी आप उसको कंप्लीट कर पाओगे ठीक है अगर आपने हंड्रेड वाला देखा तो ये आपकी क्षमता कि आप यहाँ तक पहुँच पाओगे ठीक है तो इस चीज को समझेंगे पाइप ड्रीम की मीनिंग क्या है भाई एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा जो कि क्या हो भाई इम्पोसिबल टू देन स्पीक एंड स्पैन मतलब क्या नीट एंड क्लीन साफ सुथरा कई बार डिस्कस करा स्पीक एंड स्पेन कई बार डिस्कस करा स्पीक एंड स्पेन मतलब क्या नीटली या फिर नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होना स्पीक एंड स्पेन कहलाता है क्या स्पीक एंड स्पेंड कला तम गो इजी ऑन समथिंग गो इजी ऑन समथिंग गो इजी ऑन समथिंग मतलब क्या यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ है ना थोड़ा सा उपयोग करना गो इजी ऑन समथिंग कोई चीज कम यू, कम यूज कर रो ठीक है किसी जैसे कोई चीज आपके पास आती है क्या तो पहले ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा खरीद कर ट्राई करते हैं कि हाँ ये चीज सही है नहीं है ठीक है उसको गो इजी ऑन समथिंग मतलब यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग डन है तो ये भी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाले को क्या करना होता है भाई राइट डाउन करके उसको दो तीन बारी देखना होता है सिंपल तरीका है भाई और कोई फंडा नहीं है एडियम के साथ खेलने का पैट ऑन द बैक पैट ऑन द बैक ध्यान समझो अब याद करो जब अपना बचपन फर्स्ट रैंक लाते थे तो जो भी चीफ गेस्ट आपके स्कूल में आते थे तो आपको आपकी पीठ थपाता थे बहुत अच्छा शाबाश बहुत अच्छा ठीक है या फिर या फिर आपने क्लास में कोई भी आंसर करा वो आंसर काफी बेहतरीन रहा बाकी सारे बच्चों से थोड़ा सा अलग हटके आपने आंसर करा तो भी आपकी पीठ थपथपाई जाती थी मतलब आपको क्या किया जाता था प्रोत्साहित किया जाता था आपको इंकरेज किया जाता था ठीक है आपको प्रेज किया जाता था क्या किया जाता था भाई प्रेज किया जाता था अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड कि आपने कोई चीज़ अच्छी अच्छा करा है ठीक है कोई ठीक ठाक चीज करा है सो आपके पीठ थपथपाई जाती थी है ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रशंसा या स्वीकृति देना पैट ऑन द बैक कहलाता क्या कहलाता है भाई पैट ऑन द बैक कहलाएगा वाइल्ड गोज चेज है ना वाइल्ड मतलब जंगली गूज मतलब हंस चेज मतलब पीछा करना जंगली हंस का पीछा करना मतलब फालतू का काम करना जंगली हंस का पीछा करना मतलब क्या फालतू का काम करना एक ऐसा एफर्ट लगाना जिसका कुछ मतलब नहीं है उस एफर्ट से कुछ भी हासिल नहीं होगा व्यर्थ का प्रयास करना क्या लिखा है भाई व्यर्थ का प्रयास करना उसको क्या बोलते हैं वाइल्ड गोश्त चेज बोलते हैं तो या तो हिंदी से याद कर लो इसको वाइल्ड गोश्त चेज है ना कि जंगली हंस का पीछा करने गए थे है ना आप आए मार्केट से ठीक है और अपने दोस्त से बता रहा जंगली हंस का पीछा करने गए थे वाइल्ड गुड चेज कर रहे थे तो वो लेगा आप बेकार सा प्रयास कर रहे थे अ वर्थलेस हंट और चेज ठीक है जिसका कुछ भी रिजल्ट नहीं आना हो वो काम करना ठीक है वाइल्ड गुड चेज कहलाता है स्टम्बलिंग ब्लॉक स्टम्बलिंग ब्लॉक स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब क्या होता है भाई स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब होता है कोई भी ऑब्स्टिकल किसी भी प्रोग्रेस के अंदर कोई भी ऑप्स्टिकल का होना बाधा का होना हिंडर का होना हिंड पैदा करना उसको बोलते हैं ब्लॉक एन टू प्रोग्रेस किसी भी प्रोग्रेस में किसी भी प्रगति में आप क्या बन रहे हो भाई किसी भी डेवलपमेंट में आप क्या बन रहे हो बाधा बन रहे हो उसको बोलते हैं क्या अस्टम्बलिंग ब्लॉक एन ऑप्स्टिकल टू टू द प्रोग्रेस एन ऑप्स्टिकल टू द प्रोग्रेस राइट डन अ लाइव वायर क्या बोलते हो भाई ही इज अ लाइव माई फ्रेंड फ्रेंड इज अ लाइव वायर माई फ्रेंड इज अ लाइव वायर क्या मतलब हुआ इसका माई फ्रेंड इज अ लाइव वायर मतलब क्या फुल ऑफ एनर्जी माई फ्रेंड इज अ लाइव वायर मतलब क्या फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी पूरा एनर्जी से भरा हुआ

यर एंड स्क्र अकॉर्डिंग टू द रूल्स नियमों के अनुसार फेयर एंड स्क्वेयर ठीक है अकॉर्डिंग टू द रूल या अकॉर्डिंग टू द लॉ भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉस नियमों के अनुसार ठीक है अकॉर्डिंग टू द लॉज फेयर एंड स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू द लॉज डन चलो जी अ बैड एग बैड एग या फिर अरोटन अरोन एप्पल एप्पल भी बोल सकते हो कराया था ना अभी वही है बैड एग मतलब समवन हुनेस्ट एंड अनिल कोई ऐसा बंदा जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते कोई ऐसा पर्सन जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं बैड एग बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई बैड एग बोलते हैं समवन हु इज़ हुनेस्ट एंड अनरिलाबल इज कॉल्ड अ बैड एग टाइट समवन ओवर टाइड समवन ओवर का मतलब होता है गिव टेम्परेरी हेल्प किसी को टेम्प्रेरी हेल्प देना और ये जो हेल्प दे रहे हो वो कैसा दे रो भाई फाइनेंशियल हेल्प दे रो क्या कैसा हेल्प फाइनेंशियल हेल्प कर रो किसी को मतलब पैसे से सहायता कर रहो और वो भी टेम्परेरी बेसिस पे कर करो उसको बोलते हैं क्या टाइड समवन ओवर अब टेम्परेरी बेसिस पे पैसे से सहायता करने का मतलब क्या हुआ है ना क्वेश्चन तो ये भी आएगा सर टेम्परेरी बेसिस पे मतलब आपने किसी को पैसे दी और बोले कि वन वीक बाद आप मुझे वही वापस कर देना विद इंटरेस्ट है ना यही होता है ना भाई आज के जमाने में कोई किसी को फ्री में पैसा देता है क्या काम करना है काम करो पैसे ले जाओ ये होता है जी ठीक है टाइट समवन ओवर का मतलब क्या है गिव टेम्प्रेरी हेल्प यूजिंग फिनेंशियल ठीक है उसको बोलते हैं क्या टाइट समवन ओवर ठीक है चलो गेट द बॉल रोलिंग टू गेट द बॉल रोलिंग मतलब टू बेगिन अ प्रोसेस ठीक है कोई प्रक्रिया आरंभ करना टू गेट द बॉल रोलिंग टू स्टार्ट अ टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट है ना किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना किसी प्रोसेस को स्टार्ट करना गेट द बॉल रोलिंग कहलाता है किसी प्रोसेस किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना गेट द बॉल रोलिंग कहलाता है टू गेट द बॉल रोलिंग टू बेगिन अ प्रोसेस टू बेगिन प्रोसेस राइट डन क्लियर है नेक्स्ट की बात करें नाइन थर्टी फाइव थ्रो थ्रो थिक एंड थिन थ्रो अप्स एंड एंड डाउन्स है ना थ्रो गुड एंड बैड टाइम्स गुड एंड बैड ठीक है ये सब एक ही मीनिंग है थ्रो थिक एंड थिन अप्स एंड डाउन गुड एंड बैड मतलब सारे जो भी सिचुएशन है ना अंडर ऑल कंडीशन इन एवरी सिचुएशन हर तरीके की सिचुएशन के लिए बोल रहा हैं इन एवरी सिचुएशन ठीक है हर तरीके की सिचुएशन के, मतलब, के, के लिए बोल रहा है थ्रो थिक एंड थिन ना गुड मतलब गुड स्टेट या फिर बैड मतलब बैड मतलब स्टेट मतलब, मतलब, ठीक है ऑन द होराइजन क्या बोला ऑन द होराइजन एक ऐसी घटना जिसके जल्द होने की संभावना है ऑन द होराइजन एंड इवेंट दैट इज लाइकली टू सून कोई चीज जो बहुत जल्दी होने वाली है होराइजन पे है ऑन द होराइजन का मतलब क्या होता है कोई चीज जो बहुत ही जल्दी होने वाली है उसको क्या बोलेंगे ऑन द होराइजन बोलेंगे एंड इवन दैट इज लाइकली टू हैपन सून कोई ऐसी चीज जो बहुत ही जल्दी होने वाली हो, है ऑन द होराइजन कहलाएगी ड्रॉ द लाइन एट समथिंग क्या बोलेंगे भाई ड्रॉ द लाइन एट समथिंग ड्रॉ द लाइन एट समथिंग का मतलब क्या एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्रॉ द लाइन एट मतलब क्या सिंपल सा जो हमने पढ़ा था क्या रामायण में एक लक्ष्मण रेखा हमने पढ़ी है कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी ठीक है ना किसी विशेष परिस्थिति तक किसी बात को स्वीकार करना कि भाई यहां तक अगर आप पाए तो बच्चों के इसको क्रॉस किया ठीक है तो मतलब आप नहीं बचोगे यही बात है ना ड्रॉ द लाइन एट मतलब क्या आप एक सर्टेन लिमिट बना रहे हो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि मैं ये बात 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 कर सकता हूं, अगर इस बात, यहां तक बात मानी जाएगी तो ड्रॉ द लाइन एट समी एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट डन है टू बी लाइट ईयर्स अवे टू बी लाइट ईयर्स अवे मतलब क्या An एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम टू बी लाइट ईयर्स अवे बहुत लंबा समय टू बी लाइट ईयर्स अवे An एक्सट्रीमली लॉन्ग टाइम बहुत ही लंबे समय को क्या बोलेंगे क्या टू बी लाइट ईयर्स अवे टू बी लाइट ईयर्स अवे ऑन एज एज पे होना मतलब क्या एज पे होना मतलब क्या वेरी नर्वस एंड अनेबल टू रिलैक्स बेचैन और शांत होने में असमर्थ नर्वस ऑन एज मतलब बी नर्वस नर्वस होना ठीक है ऑन एज कहलाता ऑन एज मतलब क्या बी नर्वस है ना नर्वस होना ऑन द एज कहलाएगा ऑन द एज कहलाएगा डन ऑन द एज क्लियर है द गिफ्ट ऑफ द गैप द गिफ्ट ऑफ द गैप द गिफ्ट ऑफ द गैप क्या मतलब हुआ द गिफ्ट ऑफ द गैप की मीनिंग हो गई टॉक वेल एंडली अच्छी तरह से बात करना प्रेरक प्रेरक पूर्ण बात करना मतलब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपनी बात रख पाना ठीक है ना अट्रैक्टिव टॉकिंग करना उसको बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैप जिसके पास ये गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ ये गिफ्ट होता है भाई सभी बोलते हैं सबके अंदर एक अलग टैलेंट है जैसे मोदी जी हैं जहाँ पे भी जाते हैं लोगों से मन मनमोहक बातें कर लेते हैं है ना कि भाई अपना फैन बना लेते हैं लोगों को है ना बातें ऐसी करते हैं इतनी अच्छी बातें करते हैं सिर्फ बातें ही करते हैं राइट तो द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या

फील एट सी कहलाएगा क्या फील एट सी फील लॉस्ट और कन्फ्यूज कन्फ्यूजन वाले स्टेज में स्टेट में जाना उसको क्या बोलते हैं क्या फील लॉस्ट और कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन फील एट सी कहलाएगा क्या समुद्र में होना जैसे क्या पानी में जंप मारते हो पानी में जंप मारते हो तो क्या होता है भाई और जैसे बाहर निकलते हो ठीक है तो पता नहीं चलता कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है कन्फ्यूज कन्फ्यूज रह तो किधर से निकले थे किधर गए है।, है ना सो फील एट सी का मतलब क्या स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन Once thumbs, once thumbs की मीनिंग क्या है उबा हुआ महसूस करना फीलिंग बोर्ड है ना क्या बोरिंग सा फील करना ट्विडलिंग थम्स की मीनिंग क्या है भाई कोई चीज आप कर रहे हो उसे मन नहीं लग रहा है, बोर सा, बोरिंग सा फील हो रहा है। उसको बोलते ट्विडलिंग वंस थम्स फिर क्या करते हो अपनी उंगलियां मोड़ना स्टार्ट कर देते हो अपने थम्स को मोड़ना स्टार्ट कर देते हो ठीक है ट्विडलिंग वंस थम्स हो गया आउट ऑफ द ब्लू बोल्ड फ्रॉम द ब्लू भी होता है आउट ऑफ द ब्लू होता है क्या कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई चीज अचानक से आपकी लाइफ में हो रही है आउट ऑफ द ब्लू है है ना कोई चीज अचानक से हो जा रही है ब्लू तो है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड ऑफ द ब्लू टू फैन द फ्लेम्स टू फैन द फ्लेम्स या फिर इसी से मिलता जुलता एक और है टू एड टू एड फायर है ना आग में घी डालना या फिर या फिर टू फैन द फ्लेम्स फ्लेम्स को फैन देना मतलब हवा का झोंका देना आग को अगर हल्का सा हवा का झोंका दोगे और ज्यादा क्या हो जाएगा भाई भड़क जाएगी आग तो मतलब क्या हो गया इसका मतलब इसका सिंपल मतलब टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स कोई भी बैड सिचुएशन है उसको आप बहुत ज्यादा क्या बना रहो खराब कर रहो टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स ठीक है परिस्थिति को बस से बदतर बनाना वर्सेन करना सिचुएशन को टू फैन द फ्लेम्स कहलाएगा या टू एड फ्यूल टू द फायर कहलाएगा टू एड फ्यूल टू द फायर कहलाएगा टू फाइट टूथ एंड नेल क्या बोल रहा भाई टू फाइट टूथ एंड नेल टू फाइट और कंपीट To fight tooth and nail की क्या? ठीक है ना? To fight tooth and nail. बड़ी क्रूरता और तीव्रता के साथ लड़ना या मुकाबला करना टू फाइट टूथ एंड नील टू फाइट और कंपीट विद ग्रेट फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी कहलाएगा चलो जी अगला क्वेश्चन है सीपीओ 2019 टायर टू में आए हुए क्वेश्चंस. ठीक है जो अगला सेगमेंट हम देखने वाले हैं वो सीपीओ 2019 टायर 2 में आए हुए क्वेश्चंस के देखने वाले हैं जिसका एग्जाम इस डेट पे हुआ था पहला है कम टू लाइट जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर कम टू लाइट है जब भी कोई चीज आप लाइट में लेकर आते हो मतलब कोई चीज रिवील कर रहे हो जो कि क्या थी हिडन थी मतलब क्या टू बी रिवील्ड रिवील अ सीक्रेट रिवील अ सीक्रेट और ट्रुथ ठीक है, या फिर किसी सीक्रेट को रिवील करना कम टू लाइट कहलाता है किसी सीक्रेट या ट्रुथ को रिवील करना कम टू लाइट कहलाएगा ऑन ऑन द द की मीनिंग क्या होगी ऑन द वेन ऑन द वेन की मीनिंग होगी ऑन द डिक्लाइन गिरावट की स्थिति में ऑन द वेन मतलब क्या ऑन द डिक्लाइन कोई चीज खत्म हो रही है कोई चीज बेकार हो रही है ठीक है ठीक है टू मेक वर्स भी बोल सकते हो इसको क्या बोल सकते हो टू मेक वर्स खराब करने की स्थिति में ठीक है खराब होने की स्थिति में ऑन विन कहलाएगा क्या कहलाएगा भाई ऑन विन टू मेक वर्स या ऑन द डिक्लाइन कोई चीज डिस्ट्रॉय दिस्ट, हो रही है उसको भी आप ऑन द विन कहोगे ठीक है एल्बो रूम एल्बो रूम एल्बो मतलब क्या कोहनी रूम मतलब उतना ही स्पेस जितना की मतलब हो पाए ठीक है फ्रीडम टू डू वट वट वन वॉन्ट्स फ्रीडम टू डू वट वन वर्ण्स जो करना चाहते हैं उसे करने की आजादी देना एल्बो रूम कहना मेक स्पेस एल्बो रूम मतलब क्या मेक स्पेस ठीक है मेक स्पेस और फ्रीडम उसको बोलते हैं एल्बो रूम क्या बोलेंगे भाई एल्बो रूम बोलेंगे फ्रीडम टू डू वट वन वर्ण्स है ना जो कुछ जो भी करना चाहता है उसको करने की उसकी आजादी देना एल्बो रूम कहलाता है कुछ भी करने की आजादी देना एल्बो रूम्स कहलाता है हैंड्स फुल होना मतलब बहुत ज्यादा बिजी होना हैंड्स फुल होना मतलब क्या बहुत ज्यादा बिजी होना वेरी बिजी हैंड्स फुल वेरी बिजी बहुत ज्यादा व्यस्त होना हैंड्स फुल कहलाएगा बॉइल्स डाउन टू अगला क्या है भाई बॉइल्स डाउन टू किसी चीज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग ठीक किसी चीज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट या फिर भाग द क्रक्स पार्ट ऑफ समथिंग वॉयस डाउन टू मतलब क्या द क्रक्स पार्ट ऑफ समथिंग द कोर पार्ट ऑफ समथिंग क्रक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो कोर भी लिख सकते हो राइट द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग ये भी बोल सकते हो बॉयस डाउन टू अब ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको राइट डाउन करना पड़ेगा ठीक है डाउन टू है इसके पहले देखो हैंड्सफुल ऑन द दिन ये करा रखा है मैंने एल्बो रूम भी करा रखा है ठीक है कम टू लाइट ये सब हो चुका है टू फाइट टू ये सारी चीजें ऐसा कुछ भी नहीं है भी जो मैंने कराया इस वाले वीडियो के अंदर वो उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जो ना कराया हो आपको पहले राइट कई बार कई सारी चीजों को डिस्कस करा हुआ है हमने ठीक है